ऑरा को एक्सप्रेस करना है। तो कल के सेशन में आरती ने ये बताया कि क्या क्या कैसे कैसे मेजर करा जाता है, और उसको जब हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को श्रीम रीम कहते हैं तो कैसे उससे हमारे अंदर की केवल एक्नॉलेजमेंट से एनर्जी इम्प्रूव हो जाती है। अब हम सबसे पहले इस एनर्जी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में, मैं एक सेकंड पीपीटी खोल देता हूँ ताकि ऐसा नहीं रहे। तो ये आप लोगों को जो है ये स्लाइड्स दिख रहे हैं, हाँ जी मैं थोड़ा सा पार्ट पढ़ देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये श्रीम एनर्जी के बारे में है। इस एनर्जी को यूज करके हम अपने थॉट्स को सैनिटाइज करते हैं। जैसे आज आप देखते हैं कि हर जगह टर्म सैनिटाइजेशन लिखा हुआ है, हाँ जी सैनिटाइजर के यूज से। तो सैनिटाइजर और सोप में क्या फर्क होता है? सैनिटाइजर जब हम सैनिटाइज करते हैं तो उड़ उड़ भी जाता है, और ये सॉलिड है वो, उसमें तो लिक्विड फॉर्म में है, सोप इज ए हम जब मीडियम करते टू हैं सैनिटाइज हैंड्स। सोप इज ए रिमूव मीडियम, वॉर्म्स। वेयर एज सैनिटाइज इज द एंड प्रोडक्ट। अच्छा नहीं, ये ऐसा दोनों ही नहीं है, दोनों ही डेफिनेशन गलत है। हाँ जी बेसिकली क्या होता है कि जब हम हाथों की या शरीर की सफाई के बारे में बात करते हैं तो हम अलग अलग आइटम्स को यूज करते हैं जिससे कि शुद्धता को हाँ नापा जाता है। जी अब शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्धता का मतलब है कीटाणु मुक्त होना, हाइजीन। ठीक है? तो जहां पर कीटाणु मुक्त होने की प्रक्रिया लेस देन 1 मिनट में हो जाए सैनिटाइज। वो सैनिटाइज है। सोप जो है लेस देन 1 मिनट पे काम नहीं करता है। तो सोप से हाथ धोने पर जो हमारे कीटाणु हैं वो तुरंत साफ नहीं होते हैं, उनको समय लगता है। लेकिन ये वाले जो हैं इसमें तुरंत ही लेस देन अ मिनट, लेस देन 50 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड, लेस देन 20 सेकेंड, वो इस तरह से कहा जाता है क्योंकि कीटाणु को फैलने का मौका मिलता है। तो 10 सेकेंड से कम में जो कीटाणु को साफ कर देता है वो सैनिटाइजर कहलाता है। अब हमने जो टर्म निकाला वो ये निकाला कि अगर ये कीटाणु हम पर प्रभाव डाल रहे हैं तो हमारे विचारों को कौन सैनिटाइज करेगा? ठीक है तो विचारों के जो कीटाणु हैं हम उनको कैसे दूर करें? तो ये हमारा एफर्ट था जो इस प्रोग्राम के थ्रू हमने श्रीम एनर्जी के तौर पे हाईलाइट करा। जी तो मेरे गुरुजी श्री युगल चरण जी महाराज, जिनका वशिष्ठ आश्रम है माउंट आबू में, हाँ जी तो उनको उनकी मेमोरी में मैंने ट्रस्ट शुरू करा, श्री युगल चरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। ठीक है इस सेंटर के थ्रू जो है हम लोगों को बेसिकली हेल्थ और लॉ साइंसेस से कनेक्ट कर रहे हैं हाँ कि जी हमारे देश में पहले प्राचीन काल के तौर पे क्या-क्या चीजें थीं जो लुप्त विज्ञान की श्रेणी में आ जाती है, और क्या-क्या चीजें थीं जो हेल्थ की डोमेन में थी, जिनको जानने से हम अपने आप को हेल्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पे मैंने टर्म हाईलाइट करा लॉ साइंस, लुप्त विज्ञान। हाँ जी तो ये लुप्त विज्ञान का मतलब हो गया कि कोई
प्रक्रिया जो भारत में पहले एग्जिस्ट करती थी और अब नहीं करती। तो अगर आप ये इमेज देखें, ये वाली, तो इस इमेज में पांच प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो लिखी हुई हैं: माइंड बॉडी इंटरवेंशन, होल मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस, एनर्जी मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो होल बॉडी सिस्टम में मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, फिर बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस में हर्बल प्रोडक्ट्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन, एनर्जी मेडिसिन में स्पिरिचुअल हीलिंग, कीडो, डिस्टेंस हीलिंग, फिर मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस में चीरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन, ऑस्टियोपैथेटिक मैनिपुलेशन, मसाज, एंड माइंड बॉडी इंटरवेंशन में मेडिटेशन, हिप्नोसिस और योगा। इस प्रकार से ये एक पूरा प्लेथोरा है और इस प्लेथोरा को कैम कहते हैं। कैम इज कंप्लीट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो। तो जब मैंने ये सारे प्लेथोरा को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि हमारे पूरे सिस्टम में दो चीज सीरियसली मिसिंग है, पहली आत्मा और दूसरे बीज मंत्र। ठीक है, तो हमारे मंत्र हमारे सामने है लेकिन किसी ने उसमें से बीज मंत्र हटा दिए। हमारा शरीर और मन हमारे सामने है लेकिन किसी ने उसमें से आत्मा की परिभाषा हटा दी। तो ये सारा कुछ करने की वजह से हमारा योगा, हिप्नोसिस, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब अलग अलग हो गया। ठीक है, इस अलग अलग होने की वजह से हम जो भी कुछ आज प्रभाव देखते हैं वो इसी वजह से है, क्योंकि ये जो दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, एक आत्मा और एक बीज मंत्र, वो हमारी प्रक्रिया में से अलग हटा दिया। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा काम जो है वो संपूर्ण ज्ञान को बांधकर एक परिधि में रखना है, और वो परिधि तभी बन सकती है जब हम आत्मा और बीज मंत्र दो चीजों के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रयास है जिसके लिए हम ये सब लोगों से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो उसका जो स्पेक्ट्रम है, इसमें से हमने आत्मा और बीज मंत्र को लिया, और इन सब चीजों का इम्पैक्ट अब कहाँ कहाँ हो रहा है वो मैं हाईलाइट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंसोम्निया, नींद ना आना, डिप्रेशन, शारीरिक रोग, अल्सर, कैंसर, पीटीएसडी, फाइब्रोमाइल्जिया, फैटीग, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनकॉन्टिनेंस, बैक पेन, अर्थराइटिस, डेफनेस, ये सारे के सारे जो हैं, ये वो चीजें हैं जो लाइलाज है। आप इनको जितना भी स्टडी करेंगे, मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे, तो वो इनमें से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं दे सकते आपको। परमानेंट तो मिलता नहीं है। परमानेंट नहीं मिलता है, पर हमारी वाली प्रक्रिया जो है इसको परमानेंटली रिजॉल्व करती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हम डेली मेडिटेशन करें। ठीक है। अगर हम डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने शरीर, मन और आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिवर्स करी जा सकती है। ठीक है जी। हाँ जी, राइट। तो अब इस प्रोग्राम, सर, ये क्लास हमारी 2:15 तक रहेगी ना? हाँ, मतलब अभी हमने 12 बजे शुरू करी तो 2 बजे तक रहेगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने 2:15 बजे फिर किसी को टाइम दिया हुआ था। हाँ, तो मतलब हमारा 2 घंटे का क्लास है, 5-10 मिनट कम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 2:00 तक इज फाइन, 2:15 तक भी फाइन है। ठीक है, तो नहीं, वैसे भी मतलब मैं तो चीजें इलैबोरेट कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिटन, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं अगर आप ये पहले पढ़ लें पूरा। तो पहले पढ़ के फिर आप क्वेश्चन तैयार करें, और हम जैसे जैसे प्रोग्राम बताते जाएंगे और आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा। ठीक है So, मतलब everything is written and documented, आपको कोई चीज भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन इस तरह बताने से जल्दी हम लोग इसे ग्रास्प कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ठीक है, सो अब हमने जब इस पूरे प्रोग्राम को हाईलाइट करा तो हमने 3 पार्ट में पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करा। एक श्रीम एनर्जी रिलेटेड प्रैक्टिसेस, एनर्जी को लिफ्ट करना, क्लीन करना, डालना, उठाना, ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट है मेडिटेशन, और तीसरा पार्ट है
इससे रिलेटेड हमारी थ्योरी क्या है, ठीक है। सो डे वन और डे टू की जो पीपीटीज हैं बेसिकली वो मेडिटेशन और एनर्जी बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो थ्योरी बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो डे थ्री पे शुरू होती है, बट रोज रोज थोड़ा थोड़ा हमने डाल के इस प्रोग्राम को तैयार करा है कि कैसे हम इस श्रीम एनर्जी से कनेक्ट करके अपने माइंड बॉडी एंड सोल को एक पर्पस देते हैं, और उस पर्पस के बाद हमारे जो पेशेंट्स की रिकवरी है फिर इन ऑल द डोमेन्स वो शुरू हो जाती है। तो हमने इस कैंप को जो है हाईलाइट करा कि हम क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो कैम इज बेसिकली होल मेडिकल सिस्टम, चाइनीज आयुर्वेदा होम्योपैथी नेचुरोपैथी, लेकिन न्यू कैम जिसको हम मंत्र चिकित्सा कहते हैं विल इंटीग्रेट ऑल इनटू वन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एलोपैथी। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जो मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने 3 रिसर्च पेपर इस पे फाइल करे थे और मेरे जो जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसमें वो पब्लिश हुआ था। The second is biology-based practices. So हम इसको कहते हैं instead of biology-based practices, ये information, energy, matter in medicines के तौर पर है कि जहाँ पर हम तीनों को लेकर चल रहे हैं, information, energy और matter। ये English term हो गए, अगर हम इसके संस्कृत term बोलेंगे तो information है सत, energy है रज और matter है तम। तो ये सत, रज और तम जो औषधि है उसका जो सम्मिलित स्वरूप है, जहां त्रिगुणात्मक प्रक्रिया है, हम उससे इस परेशानी को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। फिर कैंप के अंदर जो है एनर्जी एक मेडिसिन थी हमारे यहाँ, इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर वो तीनों मेडिसिन थी। फिर मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस थी, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ मर्ज्ड मॉडल्स थे, माइंड और बॉडी इंटरवेंशन कैंप का पार्ट था, हमारे में माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशन है। और सोल को हम ये कहते हैं कि सोल इज वन विच क्रिएटेड माइंड एंड बॉडी, ठीक। तो जहां कहीं भी कोई भी आपको इश्यू लगे वो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये प्रक्रिया कौन देखता है, ये प्रक्रिया हीलर्स देखते हैं। तो हीलर बनता कौन है, हीलर वो व्यक्ति बनता है जिसके पास कोई ना कोई अपना दर्द हो और वो दर्द का समाधान ढूंढ रहा हो, वो व्यक्ति हीलर बनता है। तो जो व्यक्ति लगातार एक पेन में है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकला वो एरिया होता है। फिर सेकंड पार्ट है उसने उस पेन का समाधान निकाला, तो वो समाधान निकालने की वजह से सेकंड लेवल ऑफ हीलर बन गया, ठीक है। फिर तीसरा लेवल है कि उसने उसको वो जो जिस चीज का उसने समाधान निकाला उसको ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या कहते थे कैसे करते थे उसने उसको भी रिजोल्व करा, तो ये हमारा थर्ड लेयर बन गया। फिर जो चौथे लेवल के जो लोग थे वो वाले होते थे जो हीलर थे जिन्होंने ट्रेडिशनल सिस्टम और प्रेजेंट सिस्टम उन दोनों को कंपेयर भी करा, अच्छा। तो वो चौथे लेवल के हीलर, तो जब वो कंपेयर करते थे फिर वो अपनी मेथोडोलॉजी बनाते थे, फिर उस पर चर्चा करते थे, फिर चर्चा में जो भी फाइनल हाँ उसको जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए उनका बेस होता था कि या तो आप मेरे मॉडल से संतुष्ट हो जाएं या अपने मॉडल से मुझे संतुष्ट कर ले, संतुष्ट करें, ठीक। तो ये डिबेट करने से ये वाला पार्ट आता था। और उसके बाद जो है जब सब जने डिबेट्स के बाद एक दूसरे को संतुष्ट कर लेते थे तो फिर वो उसकी एजुकेशन दूसरों को देते थे, ठीक है। तो फॉर्मली मैं इस सिस्टम में L1 to L8 तक सारे स्टेप से अंडरगो करा मैंने, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से पहले एक पेन को समझा, फिर उसको रिजॉल्व करा। मतलब मेरी बुआ जी जो है उनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी, वो 4 साल तक 5 साल तक बेडरिडन थी और उस बेडरिडन रहने पर हम उनको कुछ भी नहीं कर पाए। उनको एलोपैथिक डॉक्टर्स ने दवाइयां दी और उस दवाइयों को लेने के बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और 5 साल तक उस मेडिकल प्रोसेस में रहने और चलने के बाद भी वो नहीं बची, अच्छा। तो फिर वो चली गई। तो हमें ही रहा कि भाई ये प्रक्रिया जो है इसमें तो हम इस मेडिकल साइंस के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और कोई पद्धति तो हमने देखी नहीं और इसके पास टोटल समाधान नहीं है, तो हम क्या करें जिससे कि ये टोटल समाधान हमारे पास में आए। तो इस एस्पेक्ट से हमारा ये जर्नी शुरू हुई थी। फिर ये कोरोना आया तो फिर ये और ज्यादा प्रूव हो गया कि ये एलोपैथिक सिस्टम तो हमें
पूरी तरह से कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकता, जबकि हम इसके सिवा कुछ और जानते ही नहीं है। सर, तो कोरोना में क्या करना चाहिए ये बताऊंगा मैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, ठीक है। ये कोरोना का जो पार्ट है वो हम इसमें कंप्लीट लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये प्रक्रिया में सारे स्टेप से खुद निकले, अगर कोई और स्टेप हो तो आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा और मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से इसमें यही जो है 8 पॉइंट बैठते हैं। ठीक है, ठीक है जी। फिर इसके बाद में जो है हमने जब ये प्रोसेस डिजाइन करा तो हमने इसके साथ साथ ही इसके पूरे इकोसिस्टम के लिए काम करना शुरू करा। तो मतलब हमने इसके अलग अलग लेवल बनाए कि हीलिंग विद बीज मंत्रा लेवल 1, सीकिंग सीइंग योर ओन ऑरा ये लेवल 2 था, फिर सीइंग अदर्स ऑरा लेवल 3 था, फिर बीज मंत्र इंपैक्ट ऑन ऑरा लेवल 4, फिर मेडिटेशन विद बीज मंत्र लेवल 5, फिर मेडिटेशन इंपैक्ट ऑन ऑरा लेवल 6, फिर लेवल 7 हो गया रिजॉल्विंग डिजीजेस विद बीज मंत्र, फिर लेवल 8 है रिजॉल्विंग अदर्स डिजीजेस थ्रू बीज मंत्र, एंड लेवल 9 इज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीज मंत्र ऑरा मेडिटेशन एंड रिजॉल्विंग डिजीजेस। तो ये प्रोग्राम जो है 30-30 घंटे के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई करा और उसी प्रकार से इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो मतलब कि प्रोग्राम जो था वो 30 दिन का 8 घंटे का प्रोग्राम एक एस्पेक्ट में था, फिर श्रीम बीज जो है उसको लिखना होता था 1000 बार और 1 घंटा रोज मेडिटेशन करना होता था। तो जब हम 1 महीने इस प्रकार से करते थे तो हमारा L1, L2, L3 कंप्लीट होता था। फिर 30 दिन जो प्रोग्राम होता था उसमें हम 16 घंटे थ्योरी पूरा देखते थे और 2000 बार रोज श्रीम लिखते थे या बाकी बीज मंत्र, तो हमारा और 1 घंटा रोज मेडिटेट करते थे तो हमारे ये L4, L5 और L6 होते थे। फिर हम 90 दिन जो है 1 घंटा ये अपना थ्योरी देखते थे और 3000 बार श्रीम लिखते थे पर डे और 1 घंटा रोज मेडिटेट करते थे और तकरीबन 1 साल के प्रोग्राम के तौर पे हम 1000 पेशेंट्स देखने की बात करते थे। अच्छा। तो तब जाकर जो है हम इस प्रक्रिया को बिल्कुल मास्टर कर सकते। तो ये L9 के लिए था ये वाला पार्ट, जहाँ 1000 पेशेंट्स जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कैसे इस लेवल को अटेन करें। तो मैंने जब स्टडी करा तो मुझे हम लोगों ने मतलब एक एक बैच में 60-60 लोगों की हीलिंग करी एक साथ, उनकी डायबिटीज कम करके देखी, एक साथ उनकी ब्लड प्रेशर। तो ये जब आप YouTube पे हमारे वीडियोस देखेंगे वहां पर ये वीडियोस भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आपको ये चीज पता चलेगी कि हाँ ये पूरे पार्ट में। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से ये मेडिकल साइंस काम कर रही है, इसमें सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे ही पैरेलल हम alternative medicine को लोगों से connect करें। ठीक बात। So this is the objective which we are working for। इसीलिए हमने trust बनाया और बाकी जो है मतलब देश विदेश में, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक योजना चाहिए जिससे कि ये पूरा इस medical community से connect कर सके हम। तो इस कारण से ही हमने जो है इसका trust बना के अपने गुरुजी के नाम से और इसके व्यवस्थित पूरे प्रोग्राम हमने develop करे, जिससे कि आने वाले टाइम में हम सब लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करके इस पूरे पार्ट को लोगों से जोड़ सके। क्योंकि इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। हाँ, इसके देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात, इसमें हम डॉक्टर को नहीं देख रहे, इसमें कोई दवाई नहीं दे रहे हम किसी को भी, इसको हम थ्रू डिस्टेंस रिजोल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई पेशेंट जो है अमरीका में है तो आप यहाँ बैठे बैठे उस अमरीका वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, है ना। फिर इसमें आपकी ये लिमिटेशन नहीं है कि आप खुद कहाँ पर है, मतलब आज की तारीख में मेरे क्लिनिक में तो कौन पेशेंट आएगा जो मेरे घर के आसपास रहता होगा। बट इसमें तो पूरी दुनिया से कहीं से भी लोग आ सकते हैं। तो कॉमर्शियली जो है आपका सॉल्यूशन देने की कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जो है उसके हेल्थ को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। तो जो हेल्थ रिलेटेड पार्ट है उसका तो एक पार्ट है, वेल्थ रिलेटेड जो पार्ट है उसके दूसरे प्रोसीजर्स हैं। अच्छा। So, इस तरीके से हमने ये सारे के सारे लेयर्स जो है इसको डिफाइन करा। तो हमने सबसे पहले क्या डिफाइन करा कि एक व्यक्ति को श्रीम बीज लिखना शुरू करना है। हाँ जी। तो रोज उसको श्रीम बीज लिखना है। आप जैसे सविता शर्मा जी वगैरह जो है ये लोग 3000 बार रोज लिखते हैं,
सर मैं भी कोशिश कर रही हूँ 3000 बार लिखने की। हाँ, तो जब आप 3000 बार श्रीम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है एक विलक्षण परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपके आसपास, आपके विचारों में, सब चीजों में, मतलब एक अलग तरीके की एनर्जी आपको लगेगी और आपका लॉजिकल सिस्टम जो है वो और स्ट्रेंथन होगा। कितने दिन तक लिखना होता है ये, कितने लिखने होते हैं कायदे सर? तो हम एक व्यक्ति को 1 साल तक लिखवाते हैं। अच्छा, जो मतलब हमारा मानना यह है कि एक व्यक्ति को कम से कम 9 पुरस्चरण करने चाहिए। 9 पुरस्चरण एक चरण में? एक पुरस्चरण जो है वो 43 दिन का होता है। अच्छा, तो एक पुरस्चरण जो है वो 43 दिन का होता है, उसमें 1.25 लाख बार बीज मंत्र को लिखा जाता है, ठीक है, और उसकी 9 बार पुनरावृत्ति करने पर वो जागृत हो जाता है। अच्छा। तो 9 चौक 36, तो इस तरीके से 360 दिन का प्रोग्राम बैठता है वो बीज मंत्र लिखने के हिसाब से। अच्छा। तो बीज मंत्र लिखना, रोज मेडिटेशन करना और लोगों की हीलिंग करना, ये 3 एस्पेक्ट जो है इसमें डेवलप करने होते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों की हीलिंग जो है वो और फास्ट होती जाती है। तो ये इस पार्ट पे ही हम लोगों को गाइडेंस देते हैं कि कैसे आप एक पूरी प्रक्रिया को मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम बेसिकली टोटल प्रोग्राम का एक ब्रीफ पार्ट कवर करते हैं, जिसमें कि हम बेसिक स्टेप्स में आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम कहते हैं कि हाथों को सेंसिटाइज करना होता है कि वो ऊर्जा को महसूस कर सके। फिर जब स्कैन करते हैं तो क्या क्या हमें पता चल रहा है, फिर जनरल और लोकलाइज स्वीपिंग क्या होती है, फिर इंक्रीजिंग रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, एनर्जाइजिंग हैंड चक्रा टेक्निक, स्टेबलाइजिंग और रिलीजिंग, ये इसके 7 मेजर स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को बताते हैं। ये भी सब डॉक्टर आरती बताएंगे आपको। अब आते हैं ये जो बीज मंत्र है ये क्या चीज है। तो मैंने इसका ना एक बेसिक थ्योरी से लिखी, कैसे, मतलब कि जो इंडियन ह्यूमन इवोल्यूशन है हैज ऑलवेज कनेक्टेड पावर, विजडम, रिचनेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी अनलाइक वेस्ट। हाँ जी, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑल दिस वाज कनेक्शन विद डिवाइन। तो जहां कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो तो वहां बता दीजिएगा। ठीक है। फिर डिवाइन हैड मेनी फॉर्म्स, एज फॉर एग्जाम्पल पर्पस, यूनिवर्स, 5 एलिमेंट्स ऑफ माइंड, बॉडी, सोल, नेचर, नक्षत्र, सोलर सिस्टम, किंग्स, पेरेंट्स, रिवर्स, ओशन एटसेट्रा। ये सब जो है डिवाइन की अलग अलग नाम थे, जैसे गंगा जी को हम देवी माँ मानते हैं। हाँ। जो नक्षत्र हैं उनमें, या सौर मंडल में सूर्य को हम भगवान मानते हैं, तो कुछ जगह माता पिता को भगवान माना जाता है, कुछ जगह राजाओं को, जैसे कृष्ण या राम जो है इनको राजा के साथ साथ ईश्वर मानते थे। फिर शरीर के जो 5 तत्व थे उनको हम ईश्वर मानते थे, इस ब्रह्मांड को ईश्वर मानते थे, या अपने जीवन के उद्देश्य को, जैसे मैंने कल बताया था लक्ष्यते इति लक्ष्मी, तो हाँ। उस लक्ष्य को जीवन का वो मतलब उसको ईश्वर का स्वरूप मानते थे। सो ऐसे करके ये हमने ऑब्जर्व करा कि ये इन इन चीजों को डिवाइन माना जाता था। सो ईच सुपर नेचुरल जी, इसलिए ये विजुअल्स में आते हैं सबके, जो जी जी कर रहे हैं उनको इन्हीं से रिलेटेड ही दिखाई देते हैं, इनसे रिलेटेड ही दिखाई देते हैं। सो ईच सुपर नेचुरल कॉज ऑफ पावर इज आइडेंटिफाइड एंड हैज बीन यूज्ड फॉर सेविंग मैनकाइंड फ्रॉम द एक्सीडेंटल फैक्टर्स लाइक टोर्नेडो और एपिडेमिक। जब हमारे पास में सुपर नेचुरल शक्ति हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो जो अनायास में चीजें होती हैं, विध्वंस, तूफान, महामारी, तो उस समय उस सुपर नेचुरल पावर से जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से हम लोगों के रोग और इन सब में कमी ला देते हैं। ठीक है। सो गिविंग बर्थ टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स, डिवाइन चैरियट्स, गोल्ड विच वॉज यूज टू प्रिजर्व द पावर ऑफ नेचर, दस अंडरस्टैंडिंग कॉज मेड देम डिवाइन। मतलब हमने ईश्वर किसको माना, जब हमने उस डिवाइन प्रक्रिया को देखा तो जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो धारण करते थे हमने उसको डिवाइन माना, जो दिव्य रथों में आते थे उनको हमने डिवाइन माना, जो स्वर्ण से रिलेटेड प्रक्रियाओं में थे, मतलब जो स्वर्ण को
पैदा करके दिखा सकते थे, उनको हमने जो है ये माना कि इनके पास में दिव्य शक्तियां हैं। इस स्वर्ण तो, को कौन पैदा करता है? सर एक मिनट, सर आपका ना वो नहीं आ रहा, पिक्चर नहीं आ रही है। कैन वी सी यू? ये इमेज नहीं, मेरी पिक्चर तो नहीं आएगी, ये पीपीटी की स्लाइड्स दिख रही है आपको? नहीं, वो श्री ह्रीम लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा वो स्लाइड बहुत बहुत महीन है। अच्छा, वो दूसरे उसमें थी। यहाँ ऐसे पढ़ा नहीं दिख रही है मेरी। क्लियर, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रही है आपके सर। सर क्लियर दिख रही है स्लाइड तो मैम, आपने शायद वो मेन में पिन नहीं किया होगा। नहीं, इसमें एक फर्क ये भी हो सकता है कि ये मैडम के पास में आईफोन है, तो आईफोन में हो सकता है कुछ पार्ट ना दिख रहा हो जो एंड्रॉइड है, क्योंकि मेरा फोन तो इसलिए उसमें तो ये आ ही रहा है। इसको मैम एडजस्ट करके देखिए, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, नहीं आने हाँ, वाला तो पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो काफी बोल्ड आ रहा है। मैम अपने आप को म्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए, सॉरी। दूसरे फ्रेम में आ रहा है लेकिन रीडेबल नहीं है। अच्छा, तो मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, वो तो आप कर ही रहे हैं। में, आप पीपीटी में देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, वो ठीक है। तो मैं बेसिकली ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पार्ट। तो जब मैंने ये ऑब्जर्व करा तो इट हैज बीन जो डिवाइन जो था उसका नाम था, उसके कुछ गुण थे और वह किसी उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे थे। ठीक है, तो जिसको भी हमने डिवाइन बोला तो उसमें ये प्रक्रिया हमने ऑब्जर्व करी। अब जब ये करा तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कॉलिंग द डिवाइन विद द नेम प्रॉपर्टीज पर्पस इनवोक्ड डिवाइन इनसाइड दैट पर्सन। मतलब मैंने राम 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 कहना शुरू करा तो मैंने देखा कि थोड़े दिनों बाद मेरे अंदर राम जैसे गुण आने शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो जब ये वाली प्रक्रिया पे लोगों ने ध्यान गया तो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप नेम प्रॉपर्टीज एंड एक्शन इन्वोकेशन इज नोन एज मंत्र। तो संस्कृत में श्लोक और मंत्र में क्या वो है डिफरेंस? जो जहां तक मेरी समझ आती है कि जो आप बार बार कह के जिसको आप सिद्ध कर देते हो, प्रूव करते हो, वो मंत्र बन जाता है। Okay. You see the effects of that shlokas again and again and recite it and you see the effect. If it is the same every time, then it becomes a mantra. Okay. तो इंदु जी आपका क्या कहना है? श्लोक तो मेरे ख्याल में सब तक पहुंच जाते हैं जो एक बार लिख लिए जाते हैं, लेकिन मंत्र को जब हम लोग पूरी तरह से उसमें पावर डाल देते हैं और स्पेशल यूज के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है, पर्पस के लिए। अच्छा, तो मैं आपको संस्कृत की परिभाषा से ही समझाता हूँ। हाँ जी। श्लोक और मंत्र एक समान होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। मंत्र जो है वो श्लोक होते हैं जिनमें किसी का आह्वान है। आह्वान, हाँ, किसी के उससे पावर से। ठीक है, ठीक है। आह्वान को यहाँ पर हम कैसे कहते हैं? पुकारने से संबंधित। हाँ। तो जब भी मैं किसी को पुकारूंगा संस्कृत में, अगर वो पुकारना है तो वो मंत्र कहलाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक मंत्र श्लोक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक श्लोक मंत्र नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र है वो पुकारने से आवाहन से संबंधित है। अब हम आवाहन किस चीज का कर सकते हैं? संबंध का, नाम का, रूप का, गुण का। गुण का। So, इसके लिए तीन है, गुण, कर्म और संबंध। अच्छा। तो जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो वहां पर आता है ज्ञान योग, संबंध, ज्ञान को संबंध, ज्ञान कर्म और गुण, गुण कर्म और ज्ञान योग। गुण योग, गुण योग को क्या कहते हैं? सांख्य किसे कहते हैं? गुण कहते हैं जी विभूति योग को। विभूति को? अच्छा, विभूति गुण हो गए ना, दिव्य विभूतियां मतलब दिव्य गुण। अच्छा, विभूति किसी वो महान पुरुष को भी कह देते हैं, दिव्य विभूति है ये। तो मतलब वो महानता भी जो है, हाँ, एक गुण प्रधान हो गया ना। हाँ, हाँ,
जैसे अगर कोई व्यक्ति गांधी जी का नाम ले तो सत्य प्रधान बोल देगा ना उसको, सत्य, हाँ सत्य प्रधान, तो वो कौन से गुण का प्रवर्तक था उसके हिसाब से। बुद्ध की कोई बात करेगा तो वो शांति का प्रतीक के तौर पे रखेगा, राम के लिए रखेगा तो योद्धा का जो गुण है उसके तौर पे उसको हाईलाइट करे, इस प्रकार से। तो हमारा ज्ञान योग, कर्मयोग, विभूति योग और कर्मयोग, ये बेसिकली क्या था, ये सारे के सारे जो है नेम, प्रॉपर्टीज, एक्शन और रिलेशनशिप, ये चार के बारे में ही प्रक्रिया दे रखी थी जो मंत्र हाईलाइट करता है। तो जब आप दुर्गा सप्तशती के मंत्र देखेंगे तो वो कोई ना कोई प्रक्रिया बता रहा था। अच्छा वो कौन बोले जिसने निशुंभ हननी या शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैटभ हंत्री, ये सब क्या हो गए, ये रिलेशनशिप हो गए, उनका एक्शन हो गया। तो केवल ये कहना कि मधुकैटभ हंत्री, तो इसका मतलब कि हम देवी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, वो देवी माँ जिसने मधुकैटभ का मर्दन करा, जिसका नाम देती सामने वाला समझ जाए कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो अब हमने नाम लिया दुर्गा, तो शरीर, शरीर रूपी दुर्ग की जो अधिष्ठात्री है वो दुर्गा हो गई। हाँ जी, जिसने दुर्ग नामक राक्षस का संहार करा वो दुर्गा हो गई। सो अगेन नेम एंड एक्शन आर रिलेटेड। तो सर फिर स्तुति और मंत्र में क्या अंतर रह जाएगा? स्तुति कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्र होता है, बिकॉज स्तुति में भी आप तो ये स्तुति, बहुत सारे मंत्र हो गए ना उसमें, कलेक्शन है उनका मंत्रों का। स्तुति जो है संस्कृत टर्म है और वो अपभ्रंश बना सूक्त से। संस्कृत में जो टर्म सूक्त है, सूक्त का मतलब है एक ही व्यक्ति के अनेक गुणों को अनेक मंत्रों के माध्यम से प्रकाशित करना। मैं गलत तो नहीं कह रहा मैडम? नहीं 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही सूक्त है सारे, कोई सविता सूक्त है, कोई पूषा सूक्त। तो किसी भी सूक्त को मतलब एक एक अधिष्ठात्री का, एक आराध्य का मल्टीपल श्लोक, मल्टीपल मंत्रों से आवाहन जो है वो उसको, उसकी पावर को हाईलाइट करता है। ठीक है, तो अब जब हमने इतने सारे तथ्यों को एस्टेब्लिश कर लिया तो हमने बोला कि हर एक तथ्य का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई एंड पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हमने सीड बोला, एंड पॉइंट को ट्री बोला। अच्छा, प्रत्येक स्थिति में बीज के अंदर वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर बीज होता है, ठीक है। तो ट्री एंड सीड हैव अ रिलेशनशिप ऑफ कोएग्जिस्टेंस, सो फॉर कन्वीनियंस सीड इज कैप्ट एंड ट्री इज इनवोक्ड। ठीक है जी, तो मैं बीज का ध्यान करके उस वृक्ष को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सामने रख देता हूँ। So we started our research on seeds, seeds of evolution of gods, जिसको हमने बीज मंत्र बोला। तो मैं प्रक्रिया समझा पाया कि बीज मंत्र पे हम कैसे पहुंचे? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। सुनीता जी आपको भी क्लियर हो गया? जी ठीक है, इसको जब आप पीपीटी को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं चीज कोई बच जाएगी तो वो मैं कल कवर करूंगा। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि आरती के जो सेशन है वो प्रैक्टिकल सेशंस है। हाँ जी, तो प्रैक्टिकल सेशन का एक अलग पार्ट होता है और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अलग रहता है। तो इसलिए मैंने कहा थ्योरी कोई मिस हो जाएगी तो फिर वो मेरा पार्ट रहेगा। तो जैसे ही थ्योरी का पार्ट हम कंप्लीट कर लेते फिर डॉक्टर आरती आके आपको प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे। सो कमिंग बैक टू द पर्पस, द एक्सपीरियंस क्रिएटर एनर्जी बीज मंत्र एंड एप्लीकेशन फॉर हेल्थ एंड वेल्थ सॉल्यूशंस। सो नोइंग सोल and three in one bodies and connecting with the creator, ये हमारा पहला step है और ये हमारा सबसे powerful step है कि हम अपने शरीर में अपनी आत्मा को acknowledge करते हैं। दुनिया का कोई भी meditation, धर्म, संस्कृति, इसके अलावा, हमारे अलावा उसको acknowledge भी नहीं करता है। अब मैं ये किस आधार पे कह रहा हूँ, जो soul की परिभाषा जो है, जो हमारे यहाँ हम विकिपीडिया और इन सब में देखते हैं तो हमें पता चलता है, जिसको सनातन धर्म के अंदर आत्मा कहा जाता है वही सोल नहीं है। जब मैंने उसको विकिपीडिया पे डेफिनेशन को पढ़ा तो एक जगह लिखा हुआ था सोल इज ए स्पेशल फसेट ऑफ ब्रेन। अच्छा ठीक है, तो मैं मेरा फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बार बार किस चीज को हाईलाइट करता हूँ। मैं अपने शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया,
मैं बार बार उससे संबंध बनाने की प्रक्रिया की बात करता हूं, ठीक है जी? हाँ जी। फिर सेकंड स्टेप आता है नोइंग द एनर्जी, तो सेंसिटाइजिंग हेड हैंड्स, एनर्जाइजिंग, मेजरिंग द एनर्जी, लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग एनर्जी, मेजरिंग, बैलेंसिंग चक्रा, मेजरिंग ऑरा, ये सारे स्टेप्स आते हैं नोइंग द एनर्जी के अंदर। फिर नोइंग बीज मंत्र में अलग अलग कौन कौन से बीज मंत्र हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन है, प्रत्येक एप्लीकेशन के साथ हम क्या क्या रेमेडी सजेस्ट करते हैं और उन बीज मंत्रों पे ध्यान लगाना, ये नोइंग बीज मंत्र का पार्ट है। फिर हम इन दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ देते हैं, बीज मंत्र को, एनर्जी को और सोल को। जब हम तीनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारे अलग अलग मॉड्यूल बनते हैं, उन मॉड्यूल्स को हम अपने तक, अपने परिवार तक और अपने घर तक मेजर करते हैं। सो आइडेंटिफाइंग सेल्फ में हम इंडिविजुअली फैमिली चैलेंजेस, ये सब को ध्यान में रखते हैं। फिर हम आते हैं प्रोटोकॉल्स पे, एंड प्रोटोकॉल्स के बाद अप्लाइंग द नॉलेज ऑन 25 पेशेंट्स, ठीक है? सो जब आप इसको अप्लाई करके देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, ठीक है जी? फिर आ जाते हैं एनर्जी एक्सपीरियंस पे। एनर्जी एक्सपीरियंस में हम कवर करेंगे सेंसिटाइजिंग हैंड्स, कैसे हाथों को सेंसिटाइज करते हैं एनर्जी के लिए। फिर प्राण रही ब्रीदिंग कैसे कहते हैं, वो नाभि तक लेना, नाभि से लब्धिकाग्र तक जाना और फिर उस बीज मंत्र के अंदर श्रीम ह्रीम को उच्चारण करना, ध्यान करना और अपने लब्धिकाग्र में रहने वाली आत्मा से कनेक्ट करना। ये कल हमने कवर करा था अगर आपको ध्यान हो तो, सुनीता जी कल आपने इसी तरह से करा था ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो दोबारा कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो वीडियो भी ऑलरेडी डाल के यूट्यूब पे कर दिया कि ताकि कल डॉक्टर आरती ने और सुनीता जी ने जो डिस्कशन करा था उसमें से कोई भी चीज छूटे नहीं हमारी, ठीक है? इसलिए कल के तौर पे। फिर सेंसिटाइजिंग, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग एंड मेजरिंग, इसको हमने SCEBM कहा है। तो ये पांच पार्ट जो है ये इस एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस के मेन पार्ट है। इनको ही जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं हमारी प्रक्रिया में इम्प्रूवमेंट आता है, बेस में यही है। इसी को हम कितनी मेहनत से साध लेते हैं उसके बाद, और फिर इसी प्रक्रिया की ओरा को मेजर करना, चक्रा को मेजर करना अपने और दूसरों के, यही इसके लेवल्स का फर्क है। मतलब मूल रूप से जो हमारा ये पहला सेशन है 7 दिन का, इसमें जो हम थ्योरी लेकर चल रहे हैं वो अगले 1 साल तक सेम रहेगी, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे हम एक प्रक्रिया के ऊपर अपनी पकड़ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रक्रिया जो है हमारे को इसमें हेल्प करेगी। मतलब आप एक प्रक्रिया से किसी का बुखार ठीक कर सकते हैं, दर्द ठीक कर सकते हैं और उसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति का कैंसर ठीक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है बस टाइम टेकिंग का डिफरेंस है, प्रैक्टिस का डिफरेंस है और हम उसमें और क्या क्या चीजें हाईलाइट करते हैं ये जानने का फर्क होता है, ठीक है जी? नाउ एप्लीकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होती हैं वो ध्यान रखने के हिसाब से होता है। माइंड बॉडी एंड सोल एज 3-in-1 क्रिएटर कनेक्ट, उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, एंड अप्लाइंग द नॉलेज ऑन 25 पेशेंट, उनके क्या होते हैं। फिर ऑरा, बिफोर मेडिटेशन कितनी ऑरा थी और आफ्टर मेडिटेशन कितनी ऑरा हो गई, ये जब किल इन कैमरा से हमने देखा तो ये पार्ट इससे क्लियरली पता चला। अच्छा, जो शेड्स हैं वो बढ़ गई हैं तो इसका मतलब है कि वहां वो ऑरा बढ़ गया। ऑरा बढ़ गया है। उसी तरह से बिफोर मेडिटेशन हमारी जो चक्रास और उसकी जो एनर्जी बॉडीज थी उसमें भी एनर्जी में डिफरेंस आ गया बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है? फिर ये सेंसिटाइजिंग हैंड्स की जो टेक्निक्स हैं ये अभी डॉक्टर आरती बताएंगी, कौन हाथ के कौन सी उंगली में कौन से बीज मंत्र को इन्वोक करते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस इससे बताई जाएगी। और कनेक्टिंग द टंग टू द पैलेट, मतलब जब जब हम ये एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिसेस आपको कराएंगे इसमें अपनी जीभ को तालू से लगाने का एक विशेष प्रभाव हमारी ऊर्जा शक्ति पे पड़ता है। अच्छा। इसको कुछ जगह इस प्रक्रिया में जब हम स्पेशलाइज कर लेते हैं तो इसी को खेचरी मुद्रा भी कहते हैं, जब हम जीभ को पलट के अपने तालू पे लगा लेते हैं और उसको पीछे ले जाते जाते हैं, ठीक है? फिर लब्धिकाग्र जो है उससे कनेक्ट करने से हमारे ब्रीद इन में और ब्रीद आउट में नेवल तक लाने और करने में हमारी ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है ये इसमें हाईलाइटेड है।
तो हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें पांच लेयर होती हैं। पहली लेयर जो होती है जब हम अपनी सांस को नाभि तक लेकर जाते हैं, फिर नाभि से वापस नाक तक लेकर जाते हैं, फिर नाक के बाद उसको जो है लब्धिकाग्र चक्र को अपने सांस से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर लब्धिकाग्र चक्र के बाद श्रीम रीम की चैंटिंग के ऊपर जाते हैं, और फिर अपने जो ईश्वर है उससे संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं तो ये इसके स्टेप्स हमारे आते हैं। तो अब मैं पहले ये डॉक्टर आरती को देता हूँ ताकि ये वाला पार्ट वो प्रैक्टिकली कंप्लीट कर सके। अभी तक कोई समझने में दिक्कत वगैरह? नहीं आई सर, नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अब मैं डॉक्टर बढ़िया। पार्ट अब मैं डॉक्टर आरती को दे रहा हूँ ये, एक सेकेंड। थैंक यू सर। वेलकम जी। प्रणाम सर। नमस्कार 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 नमस्कार। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल करके। ओके, तो आज सविता मैम भी है, इंदु मैम भी है, राइट। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा चीजें चाहिए होंगी, वो अरेंज कर लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं। एक तो वाइट सरफेस, इट कैन बी अ पिलो, इट कैन बी पेपर, वाइट, प्लेन वाइट, प्योर वाइट, वो प्योर वाइट लेकर के आते हैं। और बता दीजिए, फिर एक ही बार ले आएंगे सब चीजें। हाँ नहीं, अभी प्योर वाइट मेरे को चाहिए। एंड आप लोग के आसपास में कोई पेड़ होगा विच इज विजिबल फ्रॉम योर बालकनी और मे बी विंडो? हाँ जी, जैसे आई एम सिटिंग तो ये ऐसा दिखता है बाहर से। नहीं, मेरे को लाइट आ रही है तो आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिखता क्या है। अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्शन है ना वो लाइट का तो। हाँ, अच्छा, तो क्या करें, मतलब कुछ कोई पॉट अंदर लाके रखें या कैसे करें? नहीं, एक डेंस ट्री चाहिए होएगा उसके लिए। तो मैं आज जो सबसे पहले करवाने वाली हूँ वो तो एनर्जी स्कैनिंग, एंड दूसरी चीज हम करेंगे दैट इज ऑरा, सीइंग ऑरा विद योर नेक टाइज। अभी एक तो व्हाइट शीट या व्हाइट कुछ लेके आ जाते हैं, है ना? व्हाइट चाहिए मुझे। हाँ, और ट्री का तो कुछ और नहीं ला सकते? एनर्जी क्लास में चाहिए मेरे को, आपको स्कैनिंग करानी है एंड दूसरा जस्ट हम ट्री को देखेंगे, ऑब्जर्व करें। अच्छा, एक राइट, आपने थंब को, ट्री को आपने लाना कुछ नहीं है, आप सिर्फ व्हाइट शीट अपने पास में एक अरेंज करके रखें। हाँ, कवर से बात बनेगी या मैम चल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल चलेगी कवर से। सिर्फ कवर से बात बनेगी या पिलो के ऊपर चढ़ा लें? नहीं नहीं चलेगी, कवर ऊपर पिलो के रख दें बस। ये लोग आ जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक, कल वाला तो मेरा मिस हो गया। नहीं, कल हमने एज सच कुछ, हाँ एक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही रहती है, जो भी डिस्कशन रहती है वो तो अचानक गेस्ट आ गई। हाँ, फैमिली में तो चलता ही है ना।
और सविता मैम आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सविता. एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से करना है, मतलब और लेवल लेके जाना है. सर ने बोला दोबारा से करो सब कुछ. सत्य वचन जो सर कह देते हैं तो बस बहुत बढ़िया. मम, ये भी बहुत रेयर होता है. बहुत रेयर. ना आई एम ब्लेस्ड. द मोर ब्लेस्ड यू फील द मोर यू आर गोइंग टू अब्सॉर्ब. ओके दिस इज वेरी ट्रू. जी सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को बस मेरे को फॉलो करते रहे, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करते रहे. हर एक एक्सरसाइज 10 काउंट पे रहेगी. हर एक कोई मूवमेंट आप लेफ्ट हैंड पाम एंड राइट हैंड थंब. मैंने इसको टिप को नहीं जोड़ा है, मैंने पूरी फर्स्ट डिवाइड को मैंने इसके साथ में जोड़ा है. एंड वन, दोनों हाथ घूमेंगे, एक अंदर की तरफ जाएगा दूसरा बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. नहीं, नॉट दिस. इंदु मैम ऐसे नहीं करना है, हमें एक बाहर की तरफ एक बिल्कुल अंदर स्ट्रेट. अच्छा आप ऐसे ऐसे हाथ, नहीं इंदु मैम ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं जी, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ठीक है? और अंगूठे को बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ठीक. हाँ. दूसरा हाथ भी हिलाइए साथ में, ठीक है? एंड इट शुड बी फास्ट, वेरी फास्ट. ट्राई टू डू इट. सीम्स टू बी वेरी वेरी सिंपल, बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि हम ये चीज बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे होते, और वो तभी पता चलती है जब हम करते हैं वो चीज, ठीक है? इंडेक्स फिंगर एंड योर पाम 10 काउंट करें, 10. मिडिल फिंगर पाम, रिंग फिंगर एंड पाम, little finger and palm. Make sure you are doing with the count of 10. Right hand palm and left hand thumb. Index finger and palm. Middle finger and palm. This is a basic exercise. Before you'll be scanning or measuring a energy, you have to practice this every time. This is basically sensitizing your hands to observe, to feel energy. Again, this needs to be done with the count of 10. Then rest. Hold your wrist, right? With your grip and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसे घुमाना है गोल गोल, एल्बो को, एल्बो को, एल्बो ऐसे ऐसे जाएगी और हैंड भी ऐसे ऐसे जाएगा. लुक एट माई हैंड, इट्स हैंड भी मूव कर रहा है एंड एल्बो को भी आप रोटेट कर रहे हैं, मतलब टू एंड फ्रो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज.
टू सच एन एक्सटेंट जहां तक आपका दोनों हाथ घूम पा रहा है. अगेन 10, फील एनर्जी, वॉट एवर यू आर एबल टू फील ऑन योर पाम, ऑन योर फिंगर टिप्स, मे बी ऑन योर फिंगर, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट. Close your eyes and try to feel the energy. This is energy. जी क्या फील हो रहा है? स्टिफ हो गए हैं थोड़ा सा हाथ, ऐसा लग रहा है. स्टिफ हो गए नहीं, सेंसेशन क्या? और वो तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ अभी, नहीं हो रही. ओके कोई बात. हाँ जी, मेरे ऐसा लगता है वो द ब्लड वो ना, यू कैन सी जैसे वो ब्लड फ्लो कर रहा है तेजी से अंडर, यू कैन मतलब ये फीलिंग है अंदर से जो मेरे As if there is some heart which is there or not. हाँ, exactly, exactly. जैसे कोई heart beat हो रही है और move कर रही है. So be aware, be attentive to this, you know, sensation. अभी this is for आज से पहले आपने कभी observe किया है इसको? नहीं किया है. Okay. लेकिन इसको और अच्छी तरह से हमें observe करना है. उसको ऑब्जर्व जितना आप अच्छी तरह से करेंगे उतना अच्छी तरह आप एनर्जी को सेंस कर पाएंगे, स्कैन कर पाएंगे. राइट. कई लोगों को ये जो फीलिंग है वो इस तरह से आती है जैसे टिंगलिंग सेंसेशन एसोसिएटेड विद हॉट एयर और कोल्ड एयर. राइट. कई लोगों को कोई प्रेशर फील होता है हाथों को, as if that some transparent weight is there on their hand. तो energy अपने आप को हर किसी को बहुत different तरह से बताती है कि मैं यहाँ पे हूँ. Though we are living in energy field, but we hardly come across to certain platforms from where we can observe or feel energy. Incidentally, कभी कभी होता है हम feel कर पाते हैं, बट चूंकि हम कहते हैं अच्छा ये ऐसे हो गया, फिर सोचते हैं क्या हो गया, फिर काम की वजह से या मे बी अदर चोर्स विच वी हैव टू डू हम भूल जाते हैं वो चीज. ऐसा नहीं है कि हमने कभी फील ना किया, बट अटेंटिव नहीं रहे हम उसके लिए कभी. राइट. तो सविता मैम आप बताएं आपको क्या फीलिंग रही? मेरे को एनर्जी जो है सेंसेशन होती है यहाँ वाली टिप्स पे इस पार्ट पे, और अब मुझे ये सब करना नहीं पड़ता, मैं सोचती हूँ तो भी फील कर सकती हूँ. यस यस. अच्छा, तो आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो फीलिंग है वो फीलिंग फीलिंग तो है, कुछ आप महसूस कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, यू जस्ट शेयर विद. ऐसे थोड़ा सा चींटियों की एग्जैक्टली वो नहीं होता, बट थोड़ा सा सेंसेशन होती है जैसे इस वाले टिप्स पे होती है, और यहाँ पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई चीज है, जैसे यहाँ पे कोई चीज है हवा की तरह से, मतलब. राइट. तो आपको इंदु मैम एंड मिसेस बिशप, आपको दोनों को ये चीज को ना थोड़ा और फाइन ट्यूनिंग के साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मतलब जैसे मैम बोल रही है ना, मैं सोचती हूँ तो मैं फील कर पाती हूँ. द मोमेंट वी वांट टू स्कैन समबडी तो इट इज देयर, वी जस्ट स्कैन, इट हैपेंस. बट क्योंकि हमने उससे पहले आज से पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो हमें हाथों को सेंसिटाइज करना पड़ता है हर बारी. तो कुछ टाइम तक जब आप सेंसिटाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इन योर यू नो रेगुलर रूटीन की अगर आपने सोचा है तो आप फील कर पाएंगे. ठीक है. अभी जैसे आप दोनों तो मदर्स भी हैं, राइट? व्हेन अ लैक्टेटिंग मदर जस्ट थिंक्स ऑफ हर चाइल्ड तो ऑटोमेटिकली मेमोरी ग्लैंड्स रीड करते हैं. ठीक है. इट हैपेंस, अदरवाइज नहीं करते.
अगेन जब हम एनर्जी फील्ड को के बारे में सोचेंगे द मोमेंट यू वांट टू स्कैन समबडी यू विल बी फीलिंग यू विल बी रियलाइजिंग यस देयर इज समथिंग और वो फिर ऐसा हो जाता है कि जब वो रियलाइज करने की भी जरूरत नहीं होती यू वांट टू स्कैन यू जस्ट स्कैन वो वाली स्टेज भी आ जाती है बट दिस कम्स विद द प्रैक्टिस द मोर यू विल बी प्रैक्टिसिंग दिस थिंग द नाइसर यू विल बी एबल टू परफॉर्म यू नो स्कैनिंग पार्ट स्कैन आप दूसरे का कैसे कर सकते हैं आप ये अपने बारे में पता लगा सकते हैं ना कि आप में कैसा फील हो रहा है या कितना थ्रॉबिंग है ओके 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 मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो टेक होम आपके लोग के लिए रहेगा फ्रॉम दिस कोर्स वुड बी दैट यू विल बी एबल टू स्कैन योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो ओके अदर्स एज वेल अभी तो हम अपना अपने बारे में पता लगा सक रहे हैं ना वो धीरे धीरे शायद लेटर थिंग्स नेवर हैपन इन आइसोलेशन राइट एंड लर्निंग इज ऑलवेज फनल टाइप हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं साइमल्टेनियसली बट यस स्पेसिफिकली एक एक चीज को हम करते हैं राइट तो किसी ने मेरे को बोला लैंग्वेज ही लर्निंग है आई सेड पहले नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो सकता है लैंग्वेज ही लर्निंग basically if we are talking about perception if we are talking about child care if we are talking about say anything we are basically adding to our vocabulary and in this way yes language is learning and whatever you are learning it is in the domain of language only so if you are learning language you'll be able to understand each and every thing humne usko bifurcate kar diya ki is field mein aap ye लर्निंग कभी भी एक आइसोलेशन में नहीं होती बहुत सारी चीजें को एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारा एक जो हमने ग्लासेस लगा रखी हैं हमने सिर्फ वही चीज देख रहे होते हैं राइट तो अभी हम सिर्फ स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद में हम अपने चक्रास को मेजर करेंगे राइट हम अपने जब करेंगे तो दूसरों को भी कर सकते हैं हम अपने से मैप करके दूसरों को भी चीजें कर सकते हैं दूसरों की भी जो चक्रास को मेजर कर पाएंगे राइट तो सबसे पहले आपने एनर्जी को जो फील किया है आपको ये सेंसिटाइजिंग वाला हाथ जो हम कर रहे थे अभी एक्सरसाइज ये अगेन आपको करनी है एंड यू नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू आर एबल टू फील ऑन योर पाम्स फिंगर्स और मे बी सेंसेशन आपका सोल ऑफ फुट पे भी आती है और जब भी आप सेंसिटाइजिंग करें तो मेक श्योर आपने उस टाइम पे बेयर फिटेड हो और जमीन पे पांव हो जमीन पे पांव हां जमीन पे पांव हो तो आपको सेंसेशन पांव से भी आ सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा रहा कि उनको जो सेंस कर पा रहे थे उनको हैंड पे इतना ज्यादा सेंसेशन नहीं हो रही थी उनको फुट पे थी सेंसेशन सो अगेन किसी के लिए मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगी कि आपका यही लर्निंग स्टाइल रहेगा अनलेस एंड अंटिल आई हैव स्पेंड सम फ्यू आवर्स विद दैट पर्सन रीजन बीइंग हर एक अपना पैटर्न राइट और आप लोगों का क्या पैटर्न है वो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करके खुद उसको समझ पाए बट इट हैपन्स पाथ इसका यही है राइट अब इसको हमने ये बोला कि आपका पैटर्न अपना रहेगा वो एक डिफरेंट है कुछ लोग केनेस्थेटिक लर्नर होते हैं कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर होते हैं राइट और ये तीन तरह का लर्निंग स्टाइल्स हैं हम लोग के आपका क्या है डेफिनेटली आपको शायद पता होगा या नहीं भी आइडेंटिफाई होगा लेकिन आप जब ये चीज करेंगे आपको किस तरह से चीजें महसूस हो रही हैं उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दिस इज योर लर्निंग स्टाइल आगे हमने जो भी चीज आपको बतानी है उस पैटर्न पे आपको बता सकते हैं राइट तो आप इसको सिर्फ हाथों को फिर से सेंसिटाइज करने की कोशिश 10 के काउंट से करिएगा जो भी करना है अगर ये भी रब भी करना है तो 10 दिस 10 दिस 10 दिस 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 एवरीथिंग विद द काउंट ऑफ 10 तो बेसिक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस और उसके ये आप सभी करेंगे करिए फील करिए एनर्जी मैम मैं भी करूं बट मेरी एनर्जी तो है अभी भी आपकी एनर्जी है आप देखिए फिर
एनर्जी तो है। It is not that. Hold your elbow. इसको clockwise anti clockwise rotate करेंगे और elbow को भी clockwise anti clockwise. Hold it with your grip it. You need not to base your hand for this. You just have to grip it. Grip. Yes. It is not this, ma'am. Clockwise, elbow को clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. Mrs. Vishisht, आप भी ये चीज को ये नहीं कर पा रहे हैं step. No, it's not that. मैं अपने हाथ की movement ये नहीं है. मेरे हाथ की movement clockwise. अब मेरे को जो करना है वो ये वाला shoulder actually it is moving. अच्छा. It is not the wrist which is moving. It's the shoulder. Shoulder wale point se ye aise aise ja rahe. Aur massage uske elbow ko bhi ho rahi hai. Yes, yes, yes. Isko grip kare ma'am. Mrs. Wishes, isko grip kare. Haan. Taki ek thumb ko idhar wali taraf rakhe aur isko aise so that इसकी भी मसाज हो रही है, एल्बो की भी मसाज हो रही है साथ में, एंड शोल्डर का मूवमेंट भी हो रही है. यस, शोल्डर का मूवमेंट. यस 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 यस. इंदु मैम, आपका जो मेरे को पूरा पोस्चर दिखाई नहीं दे रहा है, बट मेरे को आई एम श्योर कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है. आप थोड़ा सा इसको और अपना फेस, मेरे को ऊपर छत दिख रही है, मेरे को नेवल तक आपका दिखना चाहिए, आप दिखने चाहिए हो. मैं ऊंचा हो जाऊं थोड़ा सा? नहीं, ऊंचा नहीं हो जाओ, फोन को थोड़ा नीचे कर लो, मतलब इट इज ऐसे और इसको थोड़ा ऐसे कर लो. यस, परफेक्ट. अब सर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, बस अब आप पीछे हो जाओगे. ठीक, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट. नहीं, आप देखिए कैसे है, ये पकड़ लिया, ये ऐसे रखा. अब मूवमेंट ये ऐसे है और ये ऐसे है. पहले तो ये, हाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. रिस्ट नहीं हिल रही है इसमें, ठीक है. और ये वाला हाथ इसको मसाज भी कर रहा है, ये वाला हाथ भी हिलेगा और ये वाला हाथ भी हिलेगा, दोनों हाथों को इकट्ठे हिला, ठीक है. यस, वेरी सिंपल. फिर उसके बाद में शेक एंड देन फील. Yes, what is the feeling? Mera to similar hi hai experience, where the throbbing is in the fingers, in the hand, in the arm. Okay.
more is in the hand and the fingers, but mm-hmm. you can feel even in the forearms also. All right. मुझे तो यहाँ फीलिंग हुई थी कुछ मूवमेंट्स की. जगह वाली है. थोड़ा सा और इसको फाइन ट्यून करेंगे. ठीक है. कुछ प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे तो ये आपको पता चलेगा. ठीक है. राइट. अब हमें यही जो अभी एक बारी फिर से ऐसे करेंगे हाथों को. फिर से ऐसे. Try to feel the navji. अभी इस टाइम पे आप अपनी टंग को अपनी पैलेट पे लगा के महसूस करें. जीभ को तालू के साथ. टंग टू योर पैलेट. ऊपर. मुंह बंद आराम से कर लें. इंदु मैम टंग को पैलेट पे लगा के करें. अपनी जीभ को अपने तालू पे लगा के फिर फील करें. फिर फील करें. अभी सेंसेशन को फील करें अच्छी तरह से. शिवरिंग सी हो रही है हाथों में. उसको और अच्छी तरह से फील करेंगे. पहले नहीं थी ना. ये अभी अपने फील कर. कोई बात नहीं. इसको अभी भी फील करें और अच्छी तरह से. ये शिवरिंग नहीं है बेसिकली. इसको और फाइन ट्यूनिंग के साथ में फील कर. जी मिसेस वशिष्ठ आप बताएं. आई कैन वो जो मैं आपको बोलती हूँ ना कुछ स्विंग सा आता है मुझे. लाइक वो शायद यही थ्रॉबिंग ही है. आई कैन फील मोर रिलेट टू मोर टू दैट. वही वो दैट यू नो लाइक दिस द होल. आई कैन फील दैट हियर ऑन माय द टंग एंड वहां पे भी वो दैट देयर इज अ स्मॉल सेंसेशन देयर एज वेल. और बॉडी के साथ भी वो उसी तरह का वो मूवमेंट है. But when you were doing it without connecting your tongue to your palate and mm-hmm. after connecting your tongue to your palate, what was the difference? ऐसे लगता था जैसे अब जैसे मैं टंग के साथ लगाया था मुझे ऐसा लगता था कि the whole body has got connected. तो जैसे सब एक हो गया है. मतलब the whole body is in the same rhythm. जैसे पहले खाली फोर आर्म तक था ना. हाँ, अब ऐसा लगता था कि होल बॉडी हैज गॉट कनेक्टेड विद द सेम बीट. इसको अभी क्योंकि हमें भी हैव टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग इन 7 डेज. मैं 14 डेज भी कर सकती हूँ. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट एक स्टिपुलेटेड टाइम में वी नीड टू फिनिश ऑफ विद एवरीथिंग. आई हैव टू डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग. So I would request you people to please, please, please practice it. Right. This seems to be very simple, but it is a basic, block. Unless and until you'll master this thing, you won't be able to understand the energy very nicely, very efficiently. You won't be able to understand. Right. और इस चीज को आप प्रैक्टिस करें. ठीक है. अब एक बारी फिर से इसको करेंगे और इसके बारे में अब इसका ना हम मेजर करने. अभी हमने सिर्फ फील कर. इसको हम मेजर करेंगे. मेजर कैसे करेंगे? अगेन वो सेंसिटाइजेशन वाला एक्टिविटी. उसके बाद में टंग को पैलेट से लगा के विल फील इट एंड बिटवीन आर टू हैंड्स विल ट्राई टू मेजर हाउ मच ऑफ एनर्जी इज देयर. और जब हम मेजर कर रहे होंगे तो द सेंसेशन वुड बी दैट देयर इज समथिंग बिटवीन आवर हैंड्स व्हिच मे नॉट व्हिच वी मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू सी बट वी आर इन अ पोजीशन टू फील दैट. राइट. अ काइंड ऑफ से ट्रांसपेरेंट बॉल व्हिच मे नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज बट यू विल बी एबल टू फील दैट. That will obstruct your, bringing your hands closer. That will obstruct. And for that, you need to be very, very attentive to it. That would be there. You will be feeling that.
but you need to be attentive to that. That will happen. Again, you have to do the sensitization process once again. After that, we'll try to feel the energy while connecting our tongue to our palate. And after that, we'll try to measure the energy. All right? Simple. Start doing it. श्वेता मैम, आपके लिए एक टास्क है. आज आप सर के चक्रास मेजर करेंगे सारे. इंदु मैम, ऐसे इसको पकड़ के घुमाना है इसको भी और हाथ को भी. हाथ भी घूमेगा ऐसे और ये भी घूमेगा ऐसे, तभी मैं जो एनर्जी क्लास में बिल्कुल स्ट्रिक्टली वीडियोस कैमरास का बिल्कुल पोजीशनिंग वैसे रखती हूँ. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. मिसेस वशिष्ठ, आप देखिए जरा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे ऐसे हाथ घूमेगा और ऐसे ऐसे ये घूमेगा, तो ये ऐसे बनता है. क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक. ठीक है ना? आप सिर्फ ऐसे घुमा रहे हो. नहीं, मैं वापस भी ले रही हूँ. नहीं, एक बार ही ऐसे जाएगा. हाँ. और दूसरी बारी ऐसे आएगा, वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू. यस यस. मैंने मेजर किया, सारे चक्रा मुझे नॉर्मल लग रहे हैं. हार्ट चक्रा 1 इंच थोड़ा बड़ा लगा मुझे, और आज्ञा चक्रा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, बाकी सारे बहुत मतलब सेम साइज के थे. मुझे नहीं पता, मैं गलत तो हो ही सकती हूँ, राइट भी हो सकती हूँ, वो आपको पता होगा. इससे करूँ? ठीक है, आप फिर से करिए. नॉर्मल ही है मैम, सर के सारे चक्रास 4 to 5 inch. ठीक है मैम. मैम गलत हूँ? सही हूँ? नहीं, ठीक है, ठीक है. अपने मेजर करूँ मैम? हाँ जी, अपने मेजर करूँ अभी? यहाँ के कुछ फोर्स लगती है यहाँ पे. एक बारी फिर से इनको दूर ले जाके फिर से फील करिए, दूर ले जाके. लेकिन वैसे बहुत पसीने आ गए हैं जैसे मुझको ना. आई कैन फील द स्वेट ऑन माय फेस.
वो तो एक्सरसाइज किया अभी आपने, यूजली इतनी एक्सरसाइज हम नहीं करते। जैसे यहाँ पे फ्री मोमेंट है so this is basically you have मतलब वो sensation क्या है which is जैसे यहाँ पे free moment था, जैसे मैं चलती गई free था फिर जब मैं यहाँ पहुंची थी तो ऐसा लगता था कि बीच में जैसे जैसे थोड़ा सा ज्यादा effort करना पड़ रहा है उसको पास लाने में, right? ये चीज, right? यहाँ जैसे यहाँ जितनी freedom थी of my hand moment, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था, right? और जब भी हम कर रहे हो मेजर, मेक श्योर कि आपके हैंड्स 90 डिग्री पे एल्बोज बेंड नहीं हो, थोड़ा दूर हो, बिकॉज यू आर बिगनर। अभी से अगर आप प्रैक्टिस दूर रखने का करेंगे तो आगे जाके इट विल बी गुड फॉर यू। से इट अगेन, आई डिडंट फॉलो। आई सेड एल्बो का जो बेंट है इट शुड नेवर बी 90 डिग्री और बिलो 90 डिग्री, इट शुड ऑलवेज बी अबव 90 डिग्री। जैसे कि एक बार दिखाएंगे आप कैसे, ये बेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी वेरी क्लोज टू यू एज मैम इज डूइंग, उनका 45 डिग्री का बेंट है। मतलब जब आप मेजर कर रहे हैं तब, यस ओके, ऐसे ऐसे दूर होना चाहिए, दूर दूर अपने से दूर, ऐसे, यस, एम आई राइट? यस यस यस। आप भी मैम और नीचे रखिए, और नीचे थोड़ा दूर अपने से, फेस से दूर, और दूर, सीधी करिए बाजुएं अपनी, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए, थोड़ा मतलब थोड़ा सा बेंडेड होनी चाहिए बट इतना नहीं, पास में नहीं आना चाहिए। यस हाँ, कितना फील है मैम आपका? यहाँ आने के बाद थोड़ा हाथ रुक गया था, हाथों को कब आप नजदीक आने में थोड़ा जोर पड़ रहा है, ऐसे नहीं रखेंगे, बिकॉज़ अगर आपने बॉल किया, हमें कभी भी स्कैन करना है तो हाथों को फ्री फ्री जैसे रखते हैं ना, हाथ ऐसे रहते हैं हमारे, ऐसे नहीं होते, ऐसे हम फोर्स लगाते हैं तो होते हैं, अगर हमने फोर्स लगाया तो एनर्जी जो है इधर से निकल जाएगी। अच्छा, ऐसे एनर्जी को ग्रिप करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू होल्ड दैट एनर्जी। सिंपल हाथ छोड़िए एंड फील करने की कोशिश करें, फील करें द एनर्जी, यस दिस, तो आप जो फील करेंगे, यस, हाँ जी, जब आपने फील किया तो सेंसेशन क्या है वो देखिए, क्या आंखें बंद करके अगर आपको अपनी सेंसेशन को एक्सप्लेन करना हो तो क्या कैसे करेंगे आप? इंदु मैम, सेंसेशन तो ये है कि यहाँ थोड़ा एल्बोज में भी मेरे काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, नहीं यहाँ शोल्डर्स में भी है, और हाथ जो करती हूँ तो और नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या चीज है वो जो रोक रही है, मतलब वो क्या लग रहा है आपको, वो क्या लगता है कि बीच में कुछ है जिसने दोनों हाथों को अलग अलग किया हुआ है, राइट? तो ये एनर्जी है, राइट? हम एनर्जी फील्ड में रह रहे हैं लेकिन हम एनर्जी को पहचानते नहीं है, ठीक है? हम ये जान रहे हैं कि एनर्जी है बट उसको पहचानते नहीं है, हाउ टू डिफरेंशिएट इट, वी डोंट नो। सभी के साथ है, लेकिन अभी जैसे आप पहचान भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, समथिंग इज देयर, कैसे हाथ पास में नहीं आ रहा, ये बेसिकली एनर्जी है जो बीच में, एनर्जी है जो रोक रही है दोनों हाथों को, यस, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ योर ऑरा, ये अभी कैसे पास में नहीं आ रहा है, या आपने जो आपने जनरेट करी है एनर्जी, ये वो एनर्जी, ठीक है? क्लियर? एक तो आज हमने ये चीज करी। सेकंड चीज जिसके लिए मैंने आपको ये चीज की प्रैक्टिस कम से कम भी दिन में, अभी आज के दिन में 5 से 7 बार ही आप लोग करनी है, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, ठीक है, पक्का, प्रोसेस को करना, क्योंकि अगर आप ये 5-7 बार ही कर रहे हैं तो 7-8 डेज में जो है आप बहुत अच्छी तरह से जो है कर पाए, राइट? कल वाली क्लास में इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम चक्रास के बारे में, चक्रास आपको पता है कौन से मेडिटेशन में आप रोज कर रहे हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ चक्रास अलोंग विद मेजरिंग चक्रास हम सीखे इसी चीज के कॉन्टिन्यूएशन,
और आज जो दूसरी चीज हमने अभी देखनी है समझनी है दैट इज ओरा रीडिंग दैट इज ओरा एडिटिंग ओरा रीडिंग 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 विद योर आईज राइट ठीक है तो अपनी प्लेन शीट अपने तकिए पे बिछा लें या प्लेन टॉवल या जो भी है आपका थोड़ा उस जगह पे उसके ऊपर अपना अंगूठा रखें जैसे सपोज मेरे पास में ये वाइट है वाइट के ऊपर मैंने ये अंगूठा रखा है और इसको देखना है मेरे को ये इसको मैं देखूंगी बैकग्राउंड शुड बी वाइट अब इसको देखें अंगूठे को देखना है बैकग्राउंड वाइट के ऊपर कहाँ रखूं ये आप अपनी लैप में रख सकते हो आप अपनी कहीं पे भी वेयर एवर यू आर कंफर्टेबल सिंपल लैप पे रखिए ताकि मतलब ऐसे मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको देखना है इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू मेरे को दिखाने की कोई वो बात नहीं है अब यू जस्ट लुक एट योर थंब एंड व्हाट यू आर एबल टू सी अराउंड योर थंब यू जस्ट नीड टू रिपोर्ट ये राइट या लेफ्ट किस थंब से करें एनी थंब एनी थंब एनी थंब सर्कल से बन रहे हैं थंब के चारों और देखिए सर्कल से बन रहे हैं या थंब के आगे पीछे एक सारा सर्कल सा बना हुआ है नहीं इस तरह से थंब के चारों और ना थंब के चारों और एक सर्कल बना हुआ है एक वो लगातार बनता जा रहा है एक बना हुआ है उसके ऊपर उसी के ऊपर दूसरा है उसी के ऊपर तीसरा है यही है ये प्रेस करके रखना है क्या नहीं नहीं यू नीड नॉट टू प्रेस इट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट द बैकग्राउंड शुड बी वाइट जस्ट प्लेस योर थंब ऑन इट एंड जस्ट ट्राई टू सी व्हाटएवर यू आर एबल टू सी अराउंड द थंब व्हाइल just keeping your attention to one and only one point that is the root of your nail apne anguthe ki jad mein bilkul dhyan se dekhte hue aap apne anguthe ke charon aur jo bhi dekh pa rahe hain be focused be attentive to that जी मैम मेरे को तो नहीं कुछ भी दिखा ऐसा कोई बात नहीं अभी आप दोनों अपने टंग को पैलेट से लगा के फिर देखिए आप साइड्स पर मत रखिए मैम अपने सामने रखिए
बिल्कुल स्ट्रेट सामने, ये जो सर्कल बन रहे हैं ये सर्कल मेरी आईज के अंदर भी बन रहे हैं, उसी तरह साइज भी घूम रही है गोल और मालूम नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं? एक 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 चीज ये है कि आपने अपनी आईज को फोकस रखना है सेंटर रूट ऑफ द थंब नेल, नेल हाँ नेल, ठीक है। एंड आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा आउटर साइड पे, हाँ इसके चारों तरफ ही दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिखाई देता है, और जो चारों तरफ है वो बेसिकली ऑरा है आपका। अच्छा है ना, तो ऑरा के में बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको क्या दिखाई, आपको क्या दिखाई देता है ये आपके अपने प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। अच्छा राइट, हर एक को एक जैसी चीज नहीं दिखेगी, होता है एक जैसा ही है सबका, और नहीं सबका एक जैसा भी नहीं होता, मतलब एक पैटर्न होता है वो सभी का, सभी के लिए एक जैसा हो, लेकिन हमारा कार्मिक साइकिल, हमारे अपने यू नो पाप पुण्य का वो सब चीजें मिला के हमारा ऑरा एक डिफरेंट तरह का होता है, हर किसी का ऑरा डिफरेंट होता है। राइट, तो हमें हम कितना देख पा रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं, अगेन मेरे से तो नहीं कुछ भी दिख रहा है। कोई बात, कोई बात, take your time, practice it. उसमें आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज आप सेंटर ऑफ द थंब, द रूट ऑफ द थंब पे कॉन्सेंट्रेट तो कर रहे हैं, बट देखना आप बाहर चाह रहे हैं, आप देखना भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट थंब के रूट पे करेंगे, थंब का रूट एज इन द द सेंटर ऑफ द, इट इज बेसिकली द द द रूट ऑफ द नेल, दिस पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगा, but the moment you are going to shift your sight with whatever you are able to see wo sab kuch fade ho jayega, to apni apne sirf nazar ko tikana hai bas, aap specs utar dijiye Mrs. Vashisht, यस क्या दिखता है, थोड़ा थोड़ा शायद जैसे कोई ग्रीन और येलोइश कलर आता है, पर कहीं वो मेरी चुन्नी का तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा ये करें जो दिखता है, अगेन सबमिशन ग्रेटिट्यूड एंड एक्नॉलेजमेंट टुवर्ड्स एनर्जीज, हम किसी संशय में नहीं होना चाहिए, जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी आप कभी एनर्जी को देखने की कोशिश करें, ट्राई टू सी इट विद यू विदाउट ग्लासेस, राइट, जी इंदु मैम, तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ अभी, हम्म, कुछ नहीं दिखाई दिया, पहले दिख गया था, पहले तो सर्कल्स दिखाई दे रहे थे काफी बनते हुए, लेकिन इस समय तो कुछ नहीं, पिंक स्काई ब्लूइश सात रंग के सर्कल्स, ऐसा नहीं, सात रंग के नहीं दिखाई दिए, एक के बाद एक सर्कल नीचे बड़ा था उसके ऊपर छोटे 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 होते हुए चले गए, ये तो फील हुआ, कलर्स नहीं दिखाई दिया कोई भी, कोई बात नहीं, कलर्स भी होते हैं हमारे, और आके आपको जो दिखाई दिया
वो बढ़िया है, जो नहीं दिखाई दिया तो भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आपने करनी है, दिखेगा जरूर, ये बात पक्की है। प्रैक्टिस तो करेंगे, करेंगे। तो हमने आज जो दो चीजें देखी हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपने सुबह मॉर्निंग में स्काई को सिर्फ गेज करना है। अच्छा। मेक श्योर सोर्स ऑफ लाइट शुड बी एट योर बैक। मॉर्निंग में सोर्स ऑफ लाइट सन होता है, वो आपके फेस के सामने नहीं होना चाहिए, वो बैक पे होना चाहिए। स्काई शुड बी वेरी वेरी क्लियर जब आप स्काई को देख रहे हैं, एंड विदाउट स्पेक्स देखेंगे आप, राइट। और देखेंगे तो मतलब 5 मिनट ऐसे ही एक ही जगह पे देखते रहते हैं, और देखने के बाद व्हाट यू आर एबल टू सी यू जस्ट हैव टू रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। वैसे ये वाली प्रैक्टिस हम अभी भी कर सकते हैं, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, ठीक है। आप लोग बाहर जाइए और सिर्फ स्काई को देख के आइए, लेकिन मेक श्योर 5 मिनट से पहले हिलना नहीं वहां से। यहाँ से भी देख सकते हैं, I can see sky. अगर if it is very very clear without any obstruction of grill or something, you can see. Right. रूम में बैठी हूँ। कोई बात नहीं, आप अपने कर्सर हटा के देख सकते हैं, तो you, I don't have any problem. आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर सिर्फ एक जगह, मैं अभी ऑफ कर दूंगी यहाँ से, और आपको जो भी देख रहे हैं आप वो देखिए। I've given you time, right? After 10 minutes, I'll ask you what you have seen. Thank you.
जी मैम क्या देखा? जी मैम क्या देखा? बड़ा अद्भुत सा नजारा दिखाई दिया। अच्छा क्या देखा? बाहर गई पहले तो कुछ नहीं था, फिर एकदम जैसे काले बादल आ गए, उसके बाद वो बादल बिल्कुल स्काई साफ हो गया। इतने स्टार्स सारे झिलमिला रहे हैं ऊपर नीचे जैसे टिड्डी दल एकदम डांस करता है, इस तरह से स्टार्स काफी सारे। पहले देखे थे कभी? नहीं कभी नहीं देखा, तभी तो मुझे बहुत अलग दिखाई दिया, अच्छा लगा देखने में। उसके बाद जैसे वो ध्रुव तारे का कुछ पोर्शन टूट करके नीचे आता है, फ्लैक्स बॉल्स टाइप, इस तरह से वो नीचे आने लगे। और कुछ देर के बाद जैसे वो परशुराम का परसा नहीं होता, वो परसा है वाइट नीचे से है, उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। और उस समय के बाद मुझे लगा कि वो मेरी आंखों के सामने सब कुछ आ गया। तो ये एनर्जी है मैम आगे ऊपर से उतर करके। आपने जो देखा वो जो स्टार्स हैं वो दिन में भी हैं, दिखते हैं बेसिकली, वो दिन में भी है। तो देखने का मतलब है अच्छा आप कभी भी हम कहते हैं ना बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम हर अवस्था में हमें कोई ना कोई देख रहा है। हर अवस्था हम जो अच्छा या बुरा जो भी करते हैं उसके साक्षी दुनिया में सभी लोग, कोशिश अच्छा करने की करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या उसका रिजल्ट है, सही होना चाहिए हमको, राइट? वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो जो आपने देखा वो हमें कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। सो बेसिकली दीज आर एयर प्राण, यस इट इज देयर, वो दिखते हैं, राइट? हाँ जी मैम, मिसेस वशिष्ठा आपने क्या देखा? हाँ सेम बिगनिंग में वही, बट मुझे एक जैसे स्टार्स बहुत सारे दिखे और उसके बाद उसमें एक येलो मुझे कुछ स्पॉट दिखा और उसके फेडेड वो जो सेवन कलर्स है ना वो भी उसके साइड पे था, लेकिन वो थोड़ा फेडेड था, इट वाज नॉट क्लियर। मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा और क्लियर हो जाए, आता था मन में और खूब पानी गिरा मेरी आंखों से, shedding like anything. तो मुझे लगा पता नहीं ग्लेयर ज्यादा है और मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आई डोंट नो। भाव इस पे देखेंगे, इसमें आपके मन का भाव क्या हुआ when the, you know, tears were coming out of your eyes, भाव क्या था? मन मुझे का बहुत भाव? बहुत अच्छा लग रहा था वो, that sun type था, वो glow कर रहा था, उसके बाद वो फिर थोड़ा बड़ा हो गया और फिर उसके साइड पे वो there were colors, different colors, but they were very faded ones, like it was more yellow, lemon yellow, okay, and इस तरह का। और आपको जो stars दिखे उनका क्या मतलब, what were those like, describe those stars? They were so small, little, twinkling here, there, all over, white color के वो बिल्कुल चकमक चकमक कर रहे थे वो। कभी पहले देखे आपने ये? नहीं, ड्यूरिंग द डे नहीं देखे, कोई बात नहीं, आप इनको थोड़ा और प्रैक्टिस करें अभी। मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे, आप दोनों दिल्ली में हो कहाँ पे हो? गुरुग्राम। और आप मैम? दोनों वहीं से। ओके,
तो आपने जो मतलब ऑलमोस्ट क्लियर स्काई एक जैसा ही होगा आप लोग के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे स्काई बहुत क्लियर है या थोड़ा सा नहीं, बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा स्मोकी है. राइट, अर्ली मॉर्निंग में द सीन वुड बी एंटायरली वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है, हाँ उसमें मैं अपनी टेरेस पे होती हूँ सुबह 6:30 के करीब. ठीक है, इसीलिए थोड़ा राइजिंग सन. अच्छा, एक तो आपने ये देखना है और दूसरा आपने ना किसी भी ट्री को, कोई सा भी ट्री, अगर आपके पास में, I'll give you another 5 minutes to just have a look at that tree. You just need to glare that tree, just gaze at that tree. कल कर लेंगे, आज मुझे बिल्कुल बिल्कुल कल करेंगे, कोई बात नहीं, दिस इज योर होमवर्क. उसको एक बारी आप देखिए और उसका ऑरा देखने की कोशिश करें, डे टाइम में भी और नाइट को, सेम ट्री को. सो हाउ बिग शुड बी द ट्री? ठीक है, इट शुड बी वेरी डेंस, ट्राई, प्रेफरेबली शुड बी डेंस, एंड ट्राई टू सी इट, स्पेशली नीम, बरगद और बिग ट्रीज. यू कैन just fix one tree and just try to see the aura of that tree in the daytime and night as well. ठीक है, ये घर के सामने बिल्कुल ही बेल पत्ते का tree है, बहुत बड़ा, उसके बाद बेल लगेंगे. हाँ, तो वो देख लीजिए आप. और इसका aura जब आप देखेंगे तो daytime में देखिएगा और रात को ये देखिएगा, again the light should be at your back, not at the back of or in the background of tree. Thick that is to be kept in consideration, otherwise thick, that will obstruct the perception of aura. Thick right, ye bas ek cheez ka consider. Aur aaj to waise bhi kal sharad purnima hai, to aaj aap bahut sundar wala aura dekhenge. Thick hai, koi bhi cheez ka. All right, dekho matlab it will be very different, as if somebody has lit a thousand of LED lights. हमें ऐसा लगता है कि अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते,